क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कुंडली में इंसान के राक्षस गण होते हैं जो बताते हैं कि उसका आचरण कैसा है, क्या उसमें खासियत है। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। वैदिक टीवी में आप बने रहिए। राधे राधे, आप सबका स्वागत है और मैं हूँ मेघा। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के तीन गुणों के बारे में गणना की गई है। कुंडली में व्यक्ति के जो ये गण है वो उसके स्वभाव, खासियत और अवगुणों की गणना करते हैं, इसलिए इन्हें गण कहा जाता है। ये तीन गण होते हैं, देव, मानव और राक्षस गण। आमतौर पर राक्षस गण नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में राक्षस जैसी छवि आ जाती है। राक्षस गण वाले लोगों को लेकर बुरी तरह की राय बनी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि तीनों गणों में देवगण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन तीनों गणों की अपनी अपनी खासियत होती है। बात करते हैं सबसे पहले देवगण की। ज्योतिषियों के अनुसार देवगण के लोगों को सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊंचा माना जाता है। देवगण लोगों में ना देवताओं वाले गुण होते हैं। ये लोग अच्छा आचरण करने वाले, ईमानदार, चरित्रवान, संस्कारी, कोमल हृदय के, दयालु, बुद्धिमान और बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं। इनकी धर्म पे बहुत आस्था होती है और ये अपने धर्म और भगवान की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही ये दान में भी काफ़ी विश्वास करते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है अपने सामर्थ्य से बढ़कर ये दूसरों की सेवा करते हैं। मानवगण। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जो मानवगण के लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये अक्सर कर्मठ होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं, जीवन में काफी सम्मान पाते हैं। ये लोग ना काफी बैलेंस होकर रहते हैं। अब बात करते हैं राक्षस गण की। राक्षस गण के जो लोग होते हैं ना वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन कोशिश करने पर ये खुद को सकारात्मक भी कर सकते हैं। यानी ये नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं और ये कोशिश करें तो ये पॉजिटिविटी भी फैला सकते हैं। लेकिन इन लोगों में खासियत होती है कि ये लोग नकारात्मक चीजों, घटनाओं को जल्दी ही भाप जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इन लोगों में सिक्स सेंस होती है जो बहुत ही जल्दी काम कर जाती है, और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं उनको लेकर ये बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। इन्हें कह सकते हैं कि पहले पता लग जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो जानवर होते हैं कोई भी बुरी चीज आने वाली होती है तो उन्हें सबसे पहले इस बात का आभास हो जाता है। राक्षस गण के लोग निडर और साहसी होते हैं और ये हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करते हैं। ये लोग दिल के साफ होते हैं लेकिन काफी कड़वा बोलते हैं। और ज्योतिषियों का ये भी कहना है कि देव और राक्षस गणों को आपस में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर रहता है जिसके कारण इनकी आपस में जमती नहीं है। देवगण के जातकों के लिए मनुष्य गण का लाइफ पार्टनर उत्तम रहता है। और अगर बात करूं मनुष्य गण के जातकों की तो देव और राक्षस वो दोनों से विवाह कर सकते हैं, इसलिए आप जब भी शादी करने जाएं तो अपनी कुंडली में मिला लें कि आप देवगण के हैं, राक्षस गण के हैं या मानव गण के हैं। ये सभी बातें सूचनाएं और मान्यताओं के आधार पर आपको दी गई हैं। हम आपको बता दें कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता है। किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले आप अपने विशेषज्ञ, अपने पंडितों से जरूर संपर्क करें। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।